हाय फ्रेंड्स, म्यूजिक ट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर आया हूँ एलन टेलर फूलर्स सीजन 9 का एक जबरदस्त मेंटालिटी म्यूजिक ट्री। दो ट्विन लड़की दिखा रहे थे, उसको मैं रिवील करने जा रहा हूँ। अगर वो वीडियो पहले से नहीं दिखे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। Poppy, I'm going to randomly select a few of these cards and then telepathically transmit them to you. You've then got to tell everyone which card I've got. Seven of Diamonds. Correct! पहले इसका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और बाद में इसका सीक्रेट भी बताऊंगा। तो पहले इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए। इसमें चार ट्रिक्स है। आज मैं कोशिश करता हूँ एक ट्रिक दिखाने के लिए और दूसरे वीडियो में बनाऊंगा दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला ट्रिक्स आज का मैं दिखाऊंगा, पहला ट्रिक्स में दिखाऊंगा आज परफॉर्मेंस और ट्यूटोरियल। तो पहले परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। वीडियो में क्या दिखाता है, पहले दिखा देता है एक डेक ऑफ कार्ड्स जो सारे स्टैंडर्ड प्लेन डेक है और उसके साथ जो लड़की है वो आगे रहता है और पीछे ये कार्ड को सफल करता है। तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। तो पहले मैं सफल कर देता हूँ उसको। सफल करते हुए इसमें से 20 चेक में कार्ड निकालूंगा और उसको पूछूंगा, वो आपने बताएगा वो कार्ड क्या है। मैं पीछे हो जाता हूँ और एक कार्ड निकालता हूँ और उसको पूछता हूँ ये कार्ड क्या है। टू ऑफ स्पेड। टू ऑफ स्पेड, ये देखिए टू ऑफ स्पेड्स। फिर दोबारा ट्राई करते हैं कि ट्विस्ट काम करता है कि नहीं करता है। और एक कार्ड निकालता हूं, आप बताओ ये कार्ड कौन सा है। नाइन ऑफ हार्ट्स। जोर से बताओ। नाइन ऑफ हार्ट्स। ये इम्पॉसिबल है लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है, नाइन ऑफ हार्ट्स। और थोड़ा मिस कर देते हैं। अब ऊपर का कार्ड लिखता हूँ, देखता हूँ कि बोल पता है कि नहीं। अब बताओ ये कार्ड कौन सा है। किंग ऑफ डायमंड। किंग ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ डायमंड्स। ये होता है पूरा फुल ट्रिक्स। पहला वाला ये ट्रिक्स है और ये कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। और जो तीसरा और चौथा ट्रिक है मैं बाद में दूसरा वीडियो बना दूंगा, नहीं तो उसकी बात बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसका सीक्रेट मैं बताता हूँ। तो सीक्रेट इसका ये है, डेक ऑफ कार्ड से जो मेरा असिस्टेंट था तो उसको मैं पहले ऐसे ये तीन कार्ड याद रखने के लिए बोला था। तो पहला कार्ड है टू ऑफ स्पेड्स, सेकंड कार्ड है नाइन ऑफ हार्ट्स और थर्ड कार्ड किंग ऑफ डायमंड। ये तीनों को डेक के टॉप ऊपर रखते थे। और इसको सफल कैसे करते हैं, इसको फॉल्स सफल करते हैं। ऐसे ये जैसे हमेशा ये तीन कार्ड ऊपर है और थोड़ा ओवर हैंड सफल भी कर देते हैं।
क्योंकि ये पोजीशन अभी तीन कार्ड ऊपर है। इसको एक कट लगाते हैं, ये बीच में रह जाता है अपना तीन फोर्स कार्ड। तो ऐसा करके निकालते हैं बीच से एक कार्ड जो हमारा पहला फोर्स कार्ड है, टू ऑफ स्पेड्स। जब पहला मैं कार्ड निकालता हूं उसको याद है पहला कार्ड है टू ऑफ स्पेड्स, तो बोल देता है टू ऑफ स्पेड्स, तो ये सक्सेस हो जाता है। फिर दोबारा वैसे ही फिर कंट्रोल करके वो दोनों कार्ड को टॉप पे ले आता है, फिर वो बोला सफल। फिर कट करके ये बीच से सेकंड फोर्स कार्ड मतलब कि नाइन ऑफ हार्ट्स, ये देखिए। आप पूछते हैं कौन सा है, उसको याद है दूसरा कार्ड नाइन ऑफ हार्ट्स है, तो बोलता है नाइन ऑफ हार्ट्स। इसके बाद वैसा ही सेम पोजीशन फिर कंट्रोल करके ऊपर ले आते हैं और इसको सफल भी कर देते हैं। आप बोलते हैं ऊपर कार्ड टॉप कार्ड लेता हूं, टॉप कार्ड लेके पूछता हूं कौन सा कार्ड है, वो बोलता है किंग ऑफ डायमंड, तो बोलता है किंग ऑफ डायमंड। तो ये होता है पहला ट्रिक्स, ये कैसा लगा आपको वीडियो में कमेंट करके लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, और दूसरा एपिसोड मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा, दूसरा तीसरा, तो ये तीन एपिसोड बनाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।